नमस्कार दोस्तों, मैं बिहार डेलीगेशन से चंदन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो कर ले। अगर आप इस साल बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है उसके उत्तर देख ले। देखिए, आपसे इस बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें कुछ सवाल यहाँ से आ सकते हैं, मात्रक से, ऐसा यूनिट से, किस चीजों के लिए कौन सा होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लंबाई का जो ऐसा मात्रक होता है मीटर होता है, आपके ऑप्शंस में दिया जाएगा लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शंस में ऐसे या तो संकेत लिखा हो सकता है एम के एस के में से क्या होगा, एम के जी एस के में से क्या होगा, आपका जवाब होगा एम, या फिर ऑप्शन में आ सकता है मीटर। तो आप कंफ्यूजन में ना पड़े, आप इस वीडियो में सब कुछ देख ले, याद कर ले। लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर, संकेत क्या होता है एम, द्रव्यमान ऐसा मात्रक किलोग्राम, संकेत केजी, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड, लिखते कैसे हैं एस से, ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है केल्विन, लिखेंगे कैसे के से, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है एम्पियर, लिखेंगे कैसे ए से, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है कैंडिला, लिखेंगे कैसे सी डी, पदार्थ का परिमाण का ऐसा मात्रक क्या होता है मोल, कैसे लिखेंगे एम ओ एल शॉर्ट। तो ये मैंने आपको रैपिडली बता दिया है, आप वीडियो पॉज करके एक एक चीज याद करके तब आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप कुछ समझे होंगे। चलिए मैं आपको कुछ अगला टॉपिक बता देता हूँ, अगर फिजिक्स के पेपर में और क्या आ सकता है। आपसे एक और चीज पूछी जाएगी, कौन सा विद्युत उपकरण कौन से ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, डायनमो जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस होता है जो किसी चीज को चल, जैसे मान लीजिए कि एक फैन है, फैन के अंदर एक मशीन लगी हुई डायनमो। तो फैन, पहले भी क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो यांत्रिक वो गुड्स होते हैं जो कि बिना टच के रन करते हैं, तो एक मशीन है डायनमो, वो आपके फैन में लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए मोमबत्ती। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे जो मोमबत्ती होता है वो आपका केमिकल्स से बने होते हैं, तो हम कैंडल को जब बर्न करेंगे तो क्या आएगा, लाइट आएगा। तो इस तरह से जो कैंडल्स होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा कन्वर्ट करता है। इस तरह के अगर सवाल होते हैं तो आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइएगा, थोड़ा सोच के देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन डिवाइस आपने देखा होगा, माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आपने माइक्रोफोन देखा होगा, जैसे आपने आप जो हैंड्स फ्री यूज करते हो मोबाइल्स के लिए, तो वहां पे माइक्रोफोन होता है, उसके अंदर से अगर आप बोलते हो तो जो आपकी जो साउंड होती है वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है विद्युत ऊर्जा में, और वापस आपके जो फ्रेंड्स होते हैं जिनसे आप बात कर रहे हो वहां पे पहुंचती है। वापस जब वहां पहुंचेगी तो साउंड्स के रूप में पर वो अगले में आप ही देख पा रहे हैं, लाउड स्पीकर। जैसे छोटी सी स्पीकर्स मोबाइल के अंदर भी लगे होते हैं और बड़े लाउड स्पीकर्स होते हैं, तो लाउड स्पीकर जो होते हैं उसके अंदर विद्युत आती करंट आती और जो करंट होता है वापस कन्वर्ट कर देता है ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है लाउड स्पीकर। सोलर से, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल आपने देखा होगा, आपने देखा होगा अपने छतों पे घरों पे देखा होगा, तो
जिस तरह से सोलर पैनल लगे होते हैं वो सूरज की जो रोशनी होती है उसे कैप्चर करके वापस आपके छोटे मोटे उपकरणों के लिए जैसे पंखा, बिजली, अब तो आप सोलर एनर्जी से टीवी वगैरह भी चला सकते हैं। ये रेन्यूएबल एनर्जी है, ये इसके बारे में हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट आप सबने देखा होगा इलेक्ट्रिक से चलती है। रिजल्ट क्या आता है ट्यूबलाइट का? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि विद्युत मोटर जैसे आपने वाटर का पानी का मीटर मोटर देखा होगा, उस वो एक तरह से मोटर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने होते हैं सब यांत्रिक ऊर्जा होते हैं। अब देखिए मोटर के अंदर करंट आएगा तो वापस यांत्रिक, यानी कि आप बिना जैसे आपने हैंड पंप जो पुराने जमाने के चापाकल था तो उसको हमें चलाना पड़ता था, और इसमें क्या होगा आपके करंट्स जो है वो ऑटोमेटिक, आप करंट्स के वजह से ऑटोमेटिक आपके नल से पानी आने लगेगा। नेक्स्ट विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब वापस वही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, उसमें आएगी प्रकाश जो होता है, प्रकाश जो होता है वो उष्मा से बना होता है, जो प्रकाश होता है उसके अंदर उष्मा और एनर्जी दो चीजें होती है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी प्रकाश जो होता है फोटोन के जो बंडल होते हैं वो आपका एनर्जी और टेम्परेचर दोनों मिक्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सितार। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेंगे, वीडियो को पॉज कर करके आप या कॉपी और कलम लेके बैठेंगे और नोट्स कर लेंगे इन टॉपिक्स को। इससे क्वेश्चंस आपको आएंगे, आपके सवाल दिए जाएंगे, ऊपर सवाल है डायनमो कौन से ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता पड़ता है, इनमें से चार ऑप्शन डाल दिए जाएंगे, आपको सही वाला आंसर पिक करना है। आपको थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप हमारा अगला वीडियो देखेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। आप हमें सर्च कर सकते हैं बिहार डेलीगेशन के नाम से गूगल पे भी, और हमारे ब्लॉग पे भी जा सकते हैं, ब्लॉग और फेसबुक पेज वगैरह की डिटेल हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।